जितना भी है कमेंट कर देना नीचे। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि चार ऐसी कौन कौन सी मस्ट चीज़ें हैं जो आपको देखनी होंगी बिफोर आप कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हो, फिटनेस में करियर बनाना चाहते हो एज ए ट्रेनर। तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, इंडियन कोर्सेज भी हैं और फॉरेन के कोर्सेज भी हैं, कुछ इंग्लिश में हैं, कुछ हिंदी में हैं। कोर्सेज के बारे में बात नहीं करने वाला मैं बात करने वाला हूँ, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, चार बातें वो कौन सी हैं जो आपको ध्यान रखनी है कोई भी कोर्स करने से पहले, ताकि आपका नुकसान। Nothing can stop me, I'm all the way up. ये ऐसी वीडियो है जिसमें हो सकता है कुछ लोग मुझसे डिसएग्री करें, बट ये मैंने जो फिटनेस इंडस्ट्री में अपने खुद के एक्सपीरियंस से देखा है, 10 साल हो गए ऑलमोस्ट, और मैंने भी जिम में काम किया था एक टाइम था, तो ये सब बातों को ध्यान में रख के मैं वो चार चीज़ें कौन सी समझता हूँ जो कोई भी यंगस्टर है वो फिटनेस में जाना चाहता है, सर्टिफिकेशन करना चाहता है, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। इस वीडियो में आपके वहम भी क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज सबसे पहला वहम लोगों को रहता है कि शायद जिम में ट्रेनर लगने के लिए उनको कोई कोर्स करना पहले मस्ट है, जबकि ऐसा नहीं है, बिकॉज इंडिया में तो नहीं है ऐसा। अच्छे जिम्स में होता है, बहुत अच्छे जिम्स में जो मेट्रो सिटीज़ में है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडिया में ये कल्चर नहीं है। आपकी अगर फिजिक अच्छी है, आपको एक्सरसाइज लगानी आती है, तो आपको जिम में हायर जनरली कर लिया जाता है, ठीक है, बिकॉज इंडिया का फिटनेस सेक्टर जो है, जिम सेक्टर जो है, अनऑर्गेनाइज्ड है। कोर्सेज भी कई तरह के आते हैं, कुछ लोग तो वीकेंड में एक्सपर्ट बन जाते हैं, कुछ लोग 3 महीने का कोर्स करते हैं, कुछ 6 मंथ्स का, बट एक्चुअली इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस, वो अलग बातें हैं। लेकिन चार चीज़ें वो कौन कौन से स्टार्ट करता हूँ। पहली चीज़ ये है गाइज, कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स करने से पहले मेक श्योर कि आप खुद एटलीस्ट, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कम से कम 1 साल आपने ट्रेन कर लिया हो खुद से। मुझे पता है कुछ लोगों को जल्दी रहती है, अगर 1 साल नहीं तो कम से कम एटलीस्ट 6 to 7 months तो बेयर मिनिमम इफ़ यू आर इन अ हरी, ठीक है। मैं आपको 6-7 महीने एटलीस्ट कंसिस्टेंटली ट्रेन करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको अगर 6-7 महीने आप कंसिस्टेंटली ट्रेन कर लेते हो, ठीक है, तो जब आप वो कोर्स करने जाओगे, सर्टिफिकेशन कोर्स कोई भी करोगे, चाहे ऑनलाइन है चाहे क्लासरूम है, तो आप एक यस मैन नहीं बन जाओगे। यस मैन क्या होता है कि जिसको जो भी बोला गया वो हाँ हाँ करता रहेगा, हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, नो। जिसने एक्सपीरियंस किया होगा कुछ 6 से 7 महीने एटलीस्ट, या 1 ईयर वर्कआउट किया होगा, उसको थोड़ा बहुत पता लग जाएगा, वो क्वेश्चन करने के लायक हो जाएगा, समझ रहे हो बात मेरी। नहीं तो अगर सिर्फ आप सुनते जाओगे, आप कुछ काउंटर कुछ पूछ नहीं पाओगे। दूसरा बेनिफिट इसका क्या होगा, बिकॉज आप खुद 6 महीने 7 महीने 1 साल वर्कआउट किया होगा, आपको कुछ कंसेप्ट्स धीरे धीरे पता लगने लगेंगे। जैसे आप बोलेंगे कभी कि मेरे यहाँ पेन हो रही है वर्कआउट के बाद, यहाँ पेन हुई, 4 दिन मेरा बाइसेप्स दुखते रहे या 4 दिन लेग्स दुखती रहीं, ऐसा क्यों होता है। फिर आपको वो स्टडी में पढ़ाया जाएगा कि इसको बोलते हैं डोम्स, विच इज़ डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, तो आपको पता लगेगा अच्छा ये भी प्रोसेस होता है एक, तो ठीक है। तो बिकॉज आप पहले ही आप प्रैक्टिकल कर चुके होंगे वो चीज़ का, तो आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। तीसरा इसका बेस्ट बेनिफिट ये रहेगा कि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि सिर्फ देखा देखी वो दूसरे की तरह बनना चाहते हैं। आजकल के कल्चर में जैसे इंस्टाग्राम कल्चर है, यूट्यूब कल्चर है, वो देखते हैं किसी बंदे को बहुत लाइक्स मिल रहे हैं, इसकी बहुत अच्छी फिजिक है, या बहुत इसकी पंजाबी जी कहने चढ़ाई हो रही है ना, उन्हें देख के उसको देख के करने लग जाते हैं। तो आपको पता लगेगा कि एटलीस्ट कि ये कोर्स अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हो, लोगों को ट्रेन एक्चुअली करना चाहते हो या नहीं। अगर आप कम से कम 6-7 महीने भी कंसिस्टेंटली ट्रेन नहीं कर पाते, तो आपको शायद पता लग जाए करते करते कि ये मेरे लिए नहीं है चीज़, मेरे लिए कोई और करियर ऑप्शन है ना, ये थोड़े दिन का शौक था जो उतर गया मेरा, मैं कंसिस्टेंटली जिम नहीं जा सकता, आई डोंट लाइक इट, ठीक है। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, टीनेज में ऐसा होता है जनरली, बिकॉज हम कभी इधर भटकते हैं कभी इधर भटकते हैं, हम सोचते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, बिकॉज हम मोस्टली हमारे गोल्स फिक्स नहीं होते, ठीक है। तो कम से कम 1 साल आप करते हो कि रैदर देन आपके घर वालों की आप पैसे वेस्ट करो, बिकॉज कोर्सेज कुछ 50,000 की भी होते हैं, 1,00,000 रुपये वाले भी होते हैं, तो आप जान लो पहले ही, और आपके घर वाले आपको बाद में ताना नहीं देंगे कि तूने ये कोर्स भी किया था लेकिन इसमें कुछ नहीं किया तूने, है ना। आप बाद में रियलाइज़ करो कि नहीं, जिम मेरे लिए नहीं है, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, नॉट एवरीबडी लाइक्स जिम, राइट। अब गाइज मेरा दूसरा पॉइंट जो है वो है कि अगर आप ये 6-7 महीने ट्रेन कर रहे हो, पहले आपके इनिशियल हैं या पहला साल है, तो आई विल सजेस्ट यू टू ट्रेन अंडर अ गुड कोच। नाउ ये कोच
चाहे ऑनलाइन हो सकता है, चाहे आपका शहर में कोई अच्छा कोच एडुकेटेड वो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ऑनलाइन फेमस है वही अच्छे कोच होते हैं, नो, जिम्स फ्लोर्स में भी बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस्ड कोचेज होते हैं जिनको, जिन्होंने स्टडी कर रखी होती है, काफ़ी डेकेड का एक्सपीरियंस होता है, राइट, यू कैन लर्न अलॉट फ्रॉम देम। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि ये जो 6-7 महीने या एक साल आप वर्कआउट कर रहे हो, आप बोलोगे कि नहीं, आई कैन गूगल, आई कैन यूट्यूब पे देख लूँगा, चाहे वो मेरा चैनल है चाहे किसी और का भी चैनल है, बिकॉज हमको जब हम वीडियो बनाते हैं हमें देखना पड़ता है काफ़ी सारी चीज़ें कि टाइम कम रखें, इतनी डिटेल में मत जाएं कि लोग बंद ही कर दें वीडियो देखते देखते, राइट। तो यूट्यूब वीडियो, गूगल सर्चेज कैन नॉट रिप्लेस एन एक्चुअल कोच, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो आपको ऑन फ्लोर ट्रेनिंग दे रहा है। ठीक है, सो ये 6-7 महीने अगर आप उसके साथ ट्रेन करते हो, डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा थोड़ी मनी उसमें, तो आपको क्या होगा कि उस बंदे ने पहले ही सारी स्टडी कर रखी है, उसको एक्सपीरियंस है, वो अपना टाइम आप बेस्ट यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है, वो 6-7 महीने ऐसा ना हो कि आप सोचे बाद में, मैंने तो वेस्ट कर दिए, मैं तो गलत ट्रेन कर रहा था, मैं तो पढ़ के ट्रेन कर रहा था, मैं तो किसी की वीडियोज़ देख के ट्रेन कर रहा था, लेकिन एट द एंड यू कम टू नो कि दिस वॉज रॉन्ग काइंड ऑफ ट्रेनिंग, आई वॉज नॉट ईटिंग करेक्टली, आई वॉज नॉट डूइंग राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग फॉर माई गोल्स। अगेन आपको इसका अलग बेनिफिट ये होगा कि आपका कोच आपको एक अलग तरह से ट्रेनिंग कराएगा, वो भी ट्रेनिंग जो होगी या आपको न्यूट्रिशन के बारे में जो भी बताएगा, प्रोग्रामिंग के बारे में जो भी बताएगा, विच अगेन यू कैन डिस्कस व्हेन यू आर डूइंग दैट कोर्स, कि मेरे कोच ने मुझे इस तरह से कराया था, क्या ये सही था, राइट। कि ऐसा तो नहीं है कि अगर आपकी एकेडमी सिर्फ आपको कीटो कीटो बोल रही है कि कीटो इज़ द बेस्ट वे टू लूज फैट, लेकिन आप कोच के अंदर ट्रेन कर चुके हो, उसने आपको बिना कीटो के भी अच्छा फैट लॉस करवाया, तो आपको पता लगेगा सिर्फ आपको कुएं के मेंढक बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ में रटे रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको डाउट्स आपके और क्लियर हो जाएंगे, आपका माइंड ओपन हो जाएगा। कुछ एकेडमीज़ होती हैं जो उनकी अपनी ही फिक्स एक आइडियोलॉजी होती है, वो अपने बच्चों पे थोपती हैं वो, और उनके बच्चे भी ऐसे ही चलते हैं कि हमारी एकेडमी ने बोल दिया तो ये बेस्ट है, बस यही सही है ना, दे आर नॉट ओपन टू लर्निंग, जो एकेडमी ने बोल दिया वही सही है। सो इस तरह से अलग अलग लोगों से आप जब लेते हैं ट्रेनिंग, इस तरह की कुछ करते हैं, तो आपका माइंड विल बी मोर ओपन। मेरा थर्ड मस्ट हैव बिफोर यू डू एनी सर्टिफिकेशन कोर्स इज यू शुड डेवलप हैबिट ऑफ रीडिंग। रीडिंग की हैबिट क्यों ज़रूरी है फिटनेस के लिए? बिकॉज लेटेस्ट रिसर्चेज आ रही हैं, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया रिसर्च आती रहती है। अगर आपको पढ़ने का शौक नहीं है, ठीक है, कि मैं नया कुछ ढूंढूं, तो आप यू विल नॉट बी अप टू डेट। ठीक है, एक 3 महीने का कोर्स करके, एक 6 महीने का कोर्स करके कुछ लोग किताबें बंद कर देते हैं हमेशा पूरी लाइफ के लिए, कि हम तो ट्रेनर बन गए हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट आ गया है, नाउ वी नो एवरीथिंग, विच इज़ नॉट द केस, राइट, बिकॉज दिस फील्ड इज़ इवॉल्विंग। आपको डेली नया कुछ पता लग रहा है, न्यूट्रिशन के बारे में स्टडीज़ हो रही हैं, नए सप्लीमेंट्स आ रहे हैं जो इस चीज़ को हेल्प कर रहे हैं, फलानी चीज़ को हेल्प कर रहे हैं, राइट। सो ये आपको हैबिट बनानी चाहिए रीडिंग की, वो चाहे आप स्टडीज़ करो, स्टडीज़ रीड करो, या आप अच्छे वेबसाइट जो पोर्टल्स हैं वहाँ पे आर्टिकल्स रीड करो, bodybuilding.com पे कर सकते हो, मस्कुलर डेवलपमेंट पे कर सकते हो, बहुत सारे टॉप के ऑथर्स हैं वहाँ पे जो लिखते हैं, राइट। इनफैक्ट आई राइट आल्सो फॉर मेंस एक्सपी एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, मेरे आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हो जो कि साइंस बेस्ड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। सो बेसिकली मॉरल पॉइंट इज़ कि आपको पढ़ने की हैबिट बनानी होगी। ऐसे मत बन जाएं कि मैंने 3 महीने का कोर्स कर लिया, नाउ आई एम नो इट ऑल, नो। सो जब तक आप ट्रेन कर रहे हैं लोगों को, तब तक पढ़ते रहें, अप टू डेट अपने आप को रखें। ठीक है, मैं आज भी पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी फॉलोइंग हो गई है तो मैं पढ़ना बंद कर दिया मैंने, नो। ऑल्सो इसका एक और फ़ायदा रहेगा कि आपने काफ़ी सारे कंसेप्ट गो थ्रू पहले ही कर लिए होंगे, तो आपको जो सर्टिफिकेशन आप एग्ज़ाम देंगे उसमें भी ये आपकी हेल्प कर देगा। ये थे 3 पॉइंट गाइज, आप तो आपको अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं मैं कुछ जो कोर्सेज़ हैं फिटनेस के, अच्छे अच्छे कोर्सेज़ कौन कौन से हैं जो आप कर सकते हो, उसके बारे में वीडियो बनाऊं, तो कमेंट कर देना नीचे, ठीक है। तो मेरा 4th पॉइंट क्या आता है फाइनल, बिफोर यू डू एनी फिटनेस सर्टिफिकेशन, चाहे वो सस्ती है या महंगी है, वो क्या होना चाहिए कि डिस्कस विद योर पेरेंट्स के यू विल चूज़ फिटनेस एज अ करियर। ठीक है, इंडिया में क्या है कि लोग यार हर चीज़ पे मतलब घर वालों की ऊपर, उनके घर वालों की अपने बच्चों पे आंख रहती है कि क्या कर रहा है, हम डिसाइड करेंगे कि वो क्या बनेगा बड़ा होके, हम डिसाइड करेंगे किससे शादी करेगा, हम डिसाइड करेंगे कब बच्चे पैदा करेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज में ऐसा होता है। तो आप यार पहले ही डिसाइड कर लो कि मुझे इस लाइन में जाना है,
एंड सी हाउ योर घर वाले रिएक्ट टू दैट कि आई एम गोइंग टू बी अ फिटनेस ट्रेनर. एंड व्हेन आई से फिटनेस ट्रेनर यू शुड थिंक ऑफ योर सेल्फ एज समवन वर्किंग ऑन जिम फ्लोर. ठीक है, चाहे वो इंडिया के जिम्स फ्लोर में है या इंडिया के बाहर वाले जिम्स फ्लोर में है. डोंट स्टार्ट थिंकिंग ऑफ यू लाइक अ ऑनलाइन सेलिब्रिटी या अ यूट्यूबर. ठीक है, वो बात की बातें हैं. नॉट एवरीबडी गेट्स टू बी ऑन दैट लेवल. ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि जो जिम्स में ट्रेनर लगे हुए हैं पैसा नहीं कमा रहे. दे आर अर्निंग गुड मनी इफ दे हैव पीटीज, राइट. सो ये दिमाग में वह मत रखना कि जो जिम में जिम फ्लोर में है वो पैसा नहीं कमा रहे. ऐसा नहीं है, बिकॉज हमारी सोसाइटी में आपको पता है कि जिम ट्रेनर को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जितनी देनी चाहिए, विच इज़ सैड एक्चुअली. एक्चुअली वो तो आपकी हेल्थ में हेल्प कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, राइट. आपकी फैमिली लोगों को यही बोलता है कि सरकारी अफसर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, ये वो चाहिए. ठीक है, लेकिन फिटनेस ट्रेनर की जब बात आती है लोग सोचते हैं पता नहीं बेचारा कुछ खास अर्न नहीं कर रहा होगा, है ना. दिस इज़ अ हार्श रियलिटी, राइट. तो प्लीज़ डिस्कस विद योर पेरेंट्स फर्स्ट ऑल्सो एंड लेट देम नो यू आर गोइंग टू डू दिस एंड सी हाउ दे रिएक्ट. बिकॉज ये ना हो कि वो तो मतलब आपके घर वाले आपकी शान आन इज्जत घर की है, आपको तो कुछ और ही बनाना है उन्होंने, तो ये बाद में ना हो. ठीक है, तो ये थे मेरे चार पॉइंट गाइज. इनमें से सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ. अगेन यू कैन डिसएग्री ऑन टू सम ऑफ माई पॉइंट्स. दिस इज़ नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको ऐसा करना ही है, लेकिन जो मैंने सीखा है इतने साल इंडस्ट्री में रह के, जो मैं देखता हूँ, तो मैंने वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. और मुझे बताएं कि आप सर्टिफिकेशंस इंडिया में कौन कौन से हैं या बाहर वाले कौन कौन से हैं, उस पर वीडियो बनाऊँ. मेरी पर्सनल प्रेफरेंस कौन से सर्टिफिकेट को लेके है, तो जस्ट लेट मी नो, आई विल मेक दैट वीडियो. टिल देन कीप ट्रेनिंग नेचुरली. बाय बाय.